देखिए, एक तो जनता में जागरूक है इंदौर की, जनता को धन्यवाद देंगे जागरूकता की कि 45 प्लस में भी निकल के आ रही है। एक ही इलाज है कोरोना का और वो है वैक्सीनेशन, और जनता समझ रही है इसको, यहाँ के नागरिक समझ रहे हैं इसको। सबसे ज़्यादा डेथ अगर पिछले जो एक साल के कोविड की देखेंगे तो 90% से ज़्यादा डेथ है 45 प्लस एज ग्रुप की। 45 प्लस एज ग्रुप का बहुत महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन होना, और जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया है 45 प्लस में, इस वेव में सबको सुरक्षा मिली है उसमें। अगर कोविड हुआ भी है तो सुरक्षा मिली है, ये भी प्रूव हुआ है इस बार। इसलिए वैक्सीनेशन से लोग अब डर नहीं रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। और जो आज़ाद नगर क्षेत्र हैं, जो माइनॉरिटी मुसलमान भाई हैं हमारे, उसमें भी ये चीज़ें देखने को आई हैं कि वहाँ भी लोग निकल के अब लगा रहे हैं 45 प्लस। आज़ाद नगर में जहाँ 25-50 लोग डेली होते थे, वहाँ भी 250-275 हो रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी निकल के लोग आ रहे हैं 45 प्लस मुसलमान भाई। तो सभी जगह एक लोगों में उत्साह भी है, लोगों में जागरूकता भी है, लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता भी है। उस क्रम में जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, मतलब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है और जैसे जैसे डिमांड आ रही है, हम लोग वैक्सीनेशन केंद्र बढ़ाते जा रहे हैं। शहर में 6 हम लोगों ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्र भी बनाए हैं, जिसमें बहुत उत्साह है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने 5 करीब बना दिए हैं ड्राइव इन वैक्सीनेशन, उसमें बहुत उत्साह है। कल कार्मल स्कूल हो गया और एमरल्ड स्कूल हो गया, यहाँ पर भी बहुत अच्छा उत्साह था लोगों में कराने के लिए। तो लोगों की डिमांड के अनुसार हम लोग वैक्सीनेशन सेशन साइट्स बनाते जा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेशन साइट में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर और वैक्सीनेटर्स देने पड़ते हैं, दवाइयों की व्यवस्था करनी पड़ती है। और पीछे से सरकार से टच में है हम लोग, तो सरकार भी उसमें जो भी सहयोग हो सकती है पूरा सहयोग दे रही है। और कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा वैक्सीन की कमी नहीं हो रही है, ये भी एक गलत मिथ्या थी कि वैक्सीन नहीं हो पाएंगी, पर ऐसा है इतनी जितने कि अगर लोग यहाँ आना चाहें तो वैक्सीनेशन सभी को लग सकता है। हमने ये भी बोला है सभी फूड इंस्पेक्टर्स को कि चूंकि वैक्सीन कमी नहीं है और सभी जगह हम लोगों ने केंद्र खोले हुए हैं, तो जितने भी राशन की दुकानें में लोग लेने आ रहे हैं उनको ज़रूर ये बतला दें कि इस बार आपका वैक्सीन आपको लगवा लें आप, जो है अगली बार से हम वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देख के ही आपको राशन देंगे। उससे भी जागरूकता लोगों में आएगी, तो ये भी हम लोग कर रहे हैं।